आपको मैं आज दिखाऊंगा सरफेस माइनर हमारे यहाँ जो कोयला कटिंग करता है ना मशीन, उसके बारे में छोटा सा वीडियो रहेगा, छोटा सा दिखाऊंगा। गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो गाइस, आज छोटा सा ही ब्लॉग है क्योंकि मैं आज से 3 दिन पहले क्या ना मेरी स्केच बुक ना ख़त्म हो गई थी, मतलब बोला चाहिए पन्ने वगैरह जो मैं ड्राइंग करता हूँ पेज वगैरह, तो ख़त्म हो गया था पूरा, कार्ट्रेज भी ख़त्म हो गया था, तो A5 साइज़ में मेरे पास था नहीं, तो मैंने अभी ऑनलाइन परचेस किया था 3 दिन पहले, तो 4 दिन पहले तो आ रहा है अभी। मेरे को फ़ोन आया था ईकॉम एक्सप्रेस की तरफ से, तो हमारे पाली में ईकॉम एक्सप्रेस से ही हमारे पास डिलीवर होता है जितने भी हम प्रोडक्ट ऑनलाइन परचेस करते हैं। तो चलिए फिर मैं दिखाता हूँ और आज का ब्लॉग में क्या क्या करूँगा, क्या क्या नहीं, सब चीज़ आपको मैं दिखाऊँगा, तो वीडियो पे बने रहिएगा, वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग रहेगा। तो चलिए, पार्सल आ चुका है, चलिए रिसीव करते हैं, उसके बाद आपको दिखाता हूँ क्या। आ गया भैया, नहीं कैश कर रहा। मेरा ब्लॉग वीडियो भी बन जा रहा है। क्या नाम लिया आपका? अमित कुमार। ठीक है, आ चुका है मेरा कूरियर, अब ओपन करके मैं दिखाता हूँ कि इसमें है क्या। तो चलिए बने रहिए वीडियो पे, और इसका फुल रिव्यू एंड क्या चीज़ है ये सब चीज़ मेरे आर्ट वाले चैनल पे आएगी, क्योंकि ये आर्ट मटेरियल है। तो फिलहाल तो ये ब्लॉग चैनल है, तो इसमें मैं थोड़ा बहुत ही दिखाऊंगा, बाकी पूरी वीडियो मेरी आर्ट वाले चैनल पे आएगी। तो चलिए वीडियो पे बने रहिए। ये रही गाइस, वो पार्सल आ चुका है, आपने देखा मैंने अभी जस्ट भैया से लिया है इसको, ईकॉम एक्सप्रेस वाले भैया से। चलिए फिर मैं दिखाता हूँ आपको सब। तो ये रहा गाइस वो पैड है 5 साइज की, देख लीजिए। चलिए ओपन करके देखते हैं। इसमें 50 सीट्स की एक पैड मिलेगी, ड्राइंग पैड। बहुत ही अच्छा है गाइस, बहुत ही वैसे बोला जाए तो थोड़ा सा टेक्सचर है इसके इसमें, बाकी एकदम स्मूथ नहीं है, तो थोड़ी टेक्सचर है। तो ड्राइंग करने के लिए वैसे इसी थोड़ा बहुत टेक्सचर रहना बहुत ज़रूरी है ड्राइंग पैड पे, तो इससे मैं ड्राइंग करके आपको दिखाऊंगा, कुछ ऐसा ड्राइंग करूंगा जो आपको भी अच्छा लगेगा। तो वीडियो पे बने रहिए। हे गाइस, गुड मॉर्निंग, तो आज है 2nd डेट और मैं फिर अपने काम पे आ चुका हूँ, खदान पे। तो गाइस, आज आपको मैं अब फिलहाल तो बहुत समय हो चुका है, 10 बज गई है आज, तो अभी ब्लॉग स्टार्ट कर रहा हूँ और आपको मैं आज दिखाऊंगा सरफेस माइनर हमारे यहाँ जो कोयला कटिंग करता है ना मशीन, उसके बारे में छोटा सा वीडियो रहेगा, छोटा सा दिखाऊंगा, आई होप आपको समझ में भी आएगा, और खदानों में कैसा कैसा मशीन चलता है ये सब के बारे में बताऊंगा। तो बने रहिए वीडियो पे, छोटी सी वीडियो है और आपको दिखाता हूँ। तो चलिए, oh,
गाइस आपको ये वीडियो देखकर बहुत ही अच्छा लगा होगा, लगा होगा तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और ये रहा विमल डोजर जिसका भी मेंटेनेंस काम चल रहा है। तो गाइस बहुत ज़्यादा मैं गंदा हो चुका और मेरी शिफ्टिंग भी अब ख़त्म होने वाली है क्योंकि 2 बज चुकी है। अब मैं निकलूँगा घर। तो आज का ये वीडियो यहीं एंड करता हूँ, फिर मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए सेफ रहिए और इन्जॉय कीजिए वीडियो को। तो जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़, बाय।